अगर महिला गर्भधारण की कोशिश कर रही हो और फिर भी गर्भधारण नहीं कर पा रही हो, तो कुछ आदतों में बदलाव करके या कुछ तरीकों को अपना करके गर्भधारण किया जा सकता है। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिसे अगर महिला अपनाती है तो वह बहुत जल्द ही कंसीव हो सकती है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एन नीराज अपने चैनल बाबा होम्यो निले में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जरूरी है कि होने वाली माँ में फर्टिलिटी होना बहुत जरूरी है। महामारी समय पर हो और फर्टिलाइजेशन भी समय पर हो, इसके लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर से फर्टिलिटी टेस्ट कराएं। अगर मात्रा कम आ रही है तो आप ट्रीटमेंट लें, निश्चित तौर पर इलाज कराएं। उसके बाद आपकी कंसीव करने की चांसेस बढ़ जाएंगी, आप बहुत जल्द ही कंसीव हो जाएंगे। आइए जानते हैं जल्द गर्भधारण करने के लिए जो हमें पहला तरीका अपनाना है, पहली उपाय करनी है उसके विषय में। अगर आपका पहला गर्भ है तो उसे कभी अबॉर्ट न करें, भूल करके अपनी पहली प्रेगनेंसी को खत्म न करें। यह गलतियां अक्सर नवविवाहित कर डालते हैं और फिर उन्हें गर्भधारण करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। दरअसल पहली प्रेगनेंसी ही फर्टिलाइजेशन को समृद्ध करती है। पहली प्रेगनेंसी को ही अगर अबॉर्शन के जरिए खत्म करवा दिया गया तो काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इसके बाद गर्भधारण करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। कभी कभी अक्सर देखा गया है कि जो नवविवाहित है और ये गलती कर दिए हैं और जब वे प्लानिंग करते हैं बच्चे के लिए तो जल्दी वे सक्सेस नहीं हो पाते। इसलिए आप यह गलती कदापि न करें। पहली जो गर्भ अगर रह रही है तो उसे रखें, उसे कभी अवर्षण न करें। फ्रेंड्स, इसकी जो दूसरी उपाय है वह है महामारी का जो चक्र होता है उसे नियमित करें। जल्दी गर्भधारण के लिए जरूरी है कि आपके पीरियड्स का जो साइकिल है वह एकदम दुरुस्त हो, वह तयशुदा तारीख से पहले या कुछ दिनों के बाद ना हो। अगर पीरियड्स रेगुलर ना हो तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करा। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड का नियमित होना बहुत जरूरी है। महावारी अगर सही समय पर आ रही है तो आपके कंसीव होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी जो गर्भधारण की क्षमता है वह बढ़ जाती है। अगर महामारी सही समय पर नहीं आ रही है तो गर्भधारण की संभावना बहुत कम हो जाती है। फ्रेंड्स, इसकी जो अगली उपाय है वह है ओवुलेशन, जो पीरियड होती है उस पर नजर रखें। पीरियड से 2 सप्ताह पहले का समय महिला के ओवुलेशन का समय होता है। इस समय गर्भधारण करने का अगर प्रयास किया जाए तो इसकी संभावना जो होती है वह 60 से 70% बढ़ जाती है। आप इस पीरियड में कंसीव कर सकती हैं, इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आप जो ओवुलेशन पीरियड है उस पर नजर रखें। कंसीव करने की संभावना अगर आपको बढ़ानी है तो ओवुलेशन पीरियड पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। अगले उपाय में आप वजन पर कंट्रोल करें, इसको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। बढ़े हुए वजन के दौरान कंसीव करने में काफी परेशानी होती है। मोटापे के चलते लाखों महिलाएं मां बनने की सुख नहीं भोग पाती क्योंकि ओवरवेट के चलते उनके फुलोपियन ट्यूब और ओवरी के बंद होने की आशंका बढ़ जाती है। मोटापे के चलते कई महिलाओं की बचतानी में सिस्ट तक हो जाते हैं। इसलिए जल्दी कंसीव करने के लिए वजन पर कंट्रोल करें। खान पान ऐसी रखें कि आपकी वजन कम हो। कुछ योग व्यायाम, सुबह शाम टहले, हरी सब्जियां अपने डाइट में शामिल करें, इससे आपकी वजन कंट्रोल में जल्दी आ जाए। जो इसकी पांचवी उपाय है वह है सेहतमंद
आहार, इसको आपको खुद अपने डाइट में शामिल करनी। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जरूरी है कि होने वाली में जो माँ है वह सेहतमंद आहार ले। अपने आहार में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स की मात्रा को बढ़ाए। फ्रेंड्स, कैल्शियम और आयरन की कमी के चलते कंसीव करने की जो संभावना है वह कम हो जाती है, इसलिए सेहतमंद आहार बहुत जरूरी है जल्द गर्भधारण करने के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रॉपर डाइट से जुड़ा मामला है। महिला खुश रहे, अच्छा खाना खाए तो प्रेगनेंसी के चांस 30% तक बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने ये 5 उपाय बताए, अगर महिला इसको अपनाती है तो अब बहुत जल्द कंसीव कर जाएगी। 1 महीने तक ही अगर इन तरीकों को अपनाते हैं, उनका जो वेट है वो अगर सामान्य है तो निश्चित तौर पर 1 महीने के अंदर ही वे कंसीव कर सकती। थैंक यू, धन्यवाद।